हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निकाले गए पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला का किसी महिला मित्र के साथ रंगरलिया मनाने का वीडियो वायरल करने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने वायरल वीडियो के मामले की शिकायत कर मानहानि का नोटिस भेजा है। डिंडौरी में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला पर चारित्रिक हनन के मामले में कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। कांग्रेस आईटी सेल ने सोशल मीडिया में वीरेंद्र बिहारी शुक्ला की भोपाल स्थित होटल में किसी महिला मित्र के साथ रंगरलिया मनाने की वीडियो वायरल कर दी थी। इसे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने आपत्तिजनक पोस्ट बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने वायरल वीडियो की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में बेबुनियादी आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया के द्वारा मेरे ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर पहले तो मैंने और मेरे परिवार ने मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से हमने जांच की मांग की है, इसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। और हमारे माननीय एडवोकेट समय ज्ञान जी ने एक नोटिस जो है मानहानि का दिया हुआ है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।